आज का प्रोटेस्ट बड़ा स्पष्ट है, आज का प्रोटेस्ट बड़ा स्पष्ट है। 30 लाख रुपया विदेशी ताकतें जो जम्मू की धरती पर आकर के टिकी हुई हैं और उनको पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, वो पॉलिटिकल संरक्षण मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो भी देशद्रोही है जिन्होंने उसको दिया है। इसलिए 30 लाख रुपया बरामद होने के उपरांत वहाँ पर नार्कोटिक्स का धंधा चलता है, वहाँ पर हथियारों का धंधा चलता है, आरोप लगाने का प्रयास करना चाहता हूँ। और उसके बाद बॉर्डर के ऊपर से धड़ाधड़ इमरान खान पाकिस्तान से उग्रवादियों को जम्मू के अंदर प्रवेश करवाने का प्रयास करना चाहता है और 8-9 लोग रोज मारे जा रहे हैं। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया, पहले तो पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, अब तो गवर्नर रूल है, अब उनको उठाने के अंदर क्या आपत्ति है। ऐसी ताकतों को उठा करके जम्मू से भारत के लो और बांग्लादेश और इनको अपने स्थान पर भेजो, अन्यथा लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। जब लोगों को विदेशी ताकतें यहाँ आकर के नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगी तब लोग खड़े हो जाएंगे और वो वाला दृश्य बड़ा भयानक होगा। इसलिए जितने विदेशी यहाँ पर आए हुए हैं, अरे 30 लाख मिलने के बाद वो रोगिणी यहाँ क्या कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्यों बैठे हुए हैं और किन की जगहों पर हैं, ये भी कहना चाहता हूँ। ये जगहें सियासतदानों ने मल करके रखी हुई हैं, कुछ ऐसे सियासतदान जो सत्ता के अंदर थे, जो पहले सत्ता के अंदर थे। मैं कहना चाहता हूँ, अरे उठो, इन लोगों को बाहर फेंको, ये तो जम्मू की जनता उठ करके इनको बाहर फेंकेगी।